भाई हमारे सामने आज खड़ी हुई है महिंद्रा की तरफ से आने वाली महिंद्रा बुलेरो नियो। और भाई गाड़ी आप देख सकते हो ऐसी लगती है कुछ देखने में, पूरी TUV 300 को कॉपी कर रखी है। मतलब भाई TUV 300 जो गाड़ी है बस उसी के नाम को हटाकर बुलेरो नियो की बैजिंग दे रखी है। और गाड़ी बहुत धड़ाकेदार से बिक रही है, सामने से देख सकते हो गाड़ी कुछ ऐसी लगती कि ऐसी दी गई है। सारे महिंद्रा की कीज़ ऐसे ही दी जाती है भाई। गाड़ी एंटेन आपको देखने को मिलती है, रियर व्हील ड्राइव आपको देखने को मिल जाता है, अच्छी खासी लंबी चौड़ी गाड़ी आपको देखने को मिल जाती है SUV में। 11.1 लाख से स्टार्ट होती है भाई बेस मॉडल। आप देख सकते हो गाड़ी की जो साइड प्रोफाइल है कुछ ऐसी लगती है देखने में। बड़ी गाड़ी आपको देखने मिलती है। TUV 300 की अनसक्सेस के बाद उन्होंने कुछ न्यू ट्राई किया और बुलेरो की बैजिंग लगाकर भाई गाड़ी को जो दे रहे हैं और कुछ कुछ नए नए फीचर्स में ऐड किए गए हैं, बाहर से भी कुछ कुछ चेंजेस की गई है गाड़ी में, हम बात करेंगे आगे चलकर। भाई गाड़ी देख लो आप, कुछ ऐसी लगती है देखने में गाड़ी आपको। सामने अगर हम हेडलाइट यूनिट की बात करें तो आप देख सकते हो डे नाइट रनिंग लैम्प आपको देखने को मिल जाता है, हैलोजन देखने को मिलती, कोई भी प्रोजेक्टर आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये देख सकते हो स्कॉर्पियो क्लासिक की वाली ग्रिल आपको दी जाती है, पंचिंग टाइप की रेडिएटर ग्रिल में आपको हनीकॉम डिज़ाइन का आपको ग्रिल देखने को मिल जाएगा, महिंद्रा का लोगो देखने को मिल जाता है भाई। बाकी इधर हम बात करें तो इधर भी आपको हैलोजन देखने को मिल जाती है, डे नाइट रनिंग लैंप और फॉग लैंप भी भाई इस गाड़ी में दिया जाता है। हनीकॉम डिज़ाइन में आपको रेडिएटर ग्रिल देखने को मिल जाती है। बाकी गाड़ी की नीचे अगर बात करें तो मैं आपको स्क्रीन पे शो कर दूंगा क्या कुछ आपको ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलती है। बहुत लंबी गाड़ी है भाई और बहुत चौड़ी है, ग्राउंड से भी अच्छी खासी हाइट पे आपको देखने को मिलती है, स्कॉर्पियो के लेवल की गाड़ी है। इसकी अगर हम हुड की बात करें तो आप देख सकते हो आपको 1.5 लीटर का डीजल इंजन देखने को मिलता है जो कि भाई 100 bhp ऑफ पावर प्रोड्यूस कर लेती है 260 Nm टॉर्क के साथ। बहुत हैवी सा इंजन आपको देखने को मिलता है डीजल में, मैनुअल ट्रांसमिशन में देखने को मिलेगा, ऑटोमेटिक वगैरह कुछ नहीं दी जाती है भाई। बाकी अगर हम साइड प्रोफाइल से गाड़ी को देखें तो आप देख सकते हो ऐसी कुछ दिखती है। टायर की बात करें तो भाई आपको 215x75 R15 इंचेस के अलॉय व्हील देखने को मिलते हैं जो कि सिल्वर में देखने को मिलेंगे भाई, डिस्क ब्रेक के साथ दी जाती है। सस्पेंशन इस गाड़ी की नो डाउट बहुत अच्छी दी गई है और ये एक फैमिली कार आपको देखने को मिलती है, ऑफ रोडर इससे बहुत अच्छा कर सकते हो आप। साइड फेंडर्स में आपको इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं, ब्लैक स्ट्रिप सारी आपको देखने को मिल जाएगी, और भी हम देखने को मिल जाएंगे। बाकी यहाँ पे आपको इसका प्लेट्स देखने को मिल जाते हैं भाई, और भी हमें कोई भी आपको इंडिकेटर नहीं दिए जाएंगे। रूफ में आपका एंटीना देखने को मिल जाता है, सिंपल टाइप का आपको रूफ दिया जाता है, रूफ रेल्स भी आपको नहीं दी जाती है इस गाड़ी में। पीछे भी आपको अलॉय व्हील्स वगैरह सारा कुछ देखने को मिल जाता है। बैक से बुलेरो नियो कुछ ऐसी लगती है देखने में, यहाँ पे देख सकते हो आप। टेल लैंप भी अगर देखोगे तो आपको यहाँ पे ब्रेक लाइट्स वगैरह दी जाती है, पीछे पार्किंग लाइट्स दी जाती है, इंडिकेटर्स की प्लेसमेंट यहीं पे की जाती है भाई। N10 की बैजिंग देखने को मिल जाती है। इधर यहाँ बात करें तो बुलेरो की बैजिंग देखने को मिल जाएगी, महिंद्रा का लोगो देखने को मिल जाएगा, 14 इंचेस का स्पेयर व्हील देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे बुलेरो नियो की बैजिंग देखने को मिल जाती है भाई। ये चीज़ आप देख रहे हो, आपको यहाँ पे वाइपर देखने को मिल जाता है, डिफॉगर्ड यहाँ पे, हाई माउंट स्टॉप लैंप देखने को मिल जाती है इस गाड़ी में भाई। पीछे अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2 लोग आराम से बैठ जाएंगे, मतलब थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी उनको, बच्चे इसमें आराम से बैठ जाएंगे भाई। परफेक्ट 7 सीटर आपको कार देखने को मिल जाती है ये। और लगेज स्पेस बात करें तो कुछ आप रख सकते हो अगर पीछे अगर कोई नहीं बैठे तो। बाकी यहाँ पे आपको फ्यूल लिड के ऑप्शन देखने को मिलती है भाई। और गाड़ी को आप अंदर से देखते हैं क्या कुछ आपको गाड़ी में दी जाती है फीचर्स वगैरह। तो भाई बुलेरो नियो के अंदर अभी हम बैठ चुके हैं, आप देख सकते हो ऐसी दिखती कुछ इसके इंटीरियर। और यहाँ पे बस फर्क इतना है भाई कि इसकी जो बुलेरो की बैजिंग दे दी गई है, बुलेरो की बैजिंग से बिक रही है बहुत ज़्यादा, जो कि डाउनफॉल हुई थी 300 इस कारण के क्योंकि भाई कोई उसको लेना पसंद नहीं करता था, लेकिन जब बुलेरो नियो का जब बैजिंग लगी इसमें तो भाई अच्छी खासी सेल हो रही है। और अगर अंदर से बात करूँ तो भाई गाड़ी ख़राब आपको देखने को नहीं मिलेगी, अंदर से बात करूँ तो गाड़ी ख़राब नहीं है देखने में, बहुत ही अच्छी आपको इंटीरियर भी देखने को मिल जाती है। हार्ड प्लास्टिक नो डाउट यूज़ किया गया और बाकी बहुत हद तक इस गाड़ी को एनहांस किया गया है, बहुत सारे नए नए फीचर्स दिए गए हैं अभी के हिसाब से जिस जो जो गाड़ी में आती है। 2 एयरबैग आपको देखने को मिल जाते हैं स्टेयरिंग में ही, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स और क्रूज़ कंट्रोल भी दिया गया है भाई इसमें। सामने यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखा, देखो यहाँ पे आपको सामने वेलकम लाइट देखने को मिल जाती है बुलेरो नियो की, यहाँ पे भी आप देख सकते हो बैजिंग देखने को मिल जाएगी। और सारा कुछ ये जो आप देख रहे हो MID एंड डिस्प्ले, यहाँ देख सकते हो स्पीडोमीटर दिया गया, ऑडोमीटर दिया गया है, और ये जो भाई MID इसमें सारा कुछ आपको शो करता है, इवन आप मतलब ट्रिप शो करती है, एवरेज शो करती है, सारा कुछ आपको इसमें शो कर दिया जाएगा। बाकी अगर हम इधर बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो AC के वेंट्स दिए गए हैं, सारा हार्ड प्लास्टिक यूज़ किया गया है। बाकी कुछ यहाँ पे आप देख सकते हो सिल्वर फिनिशिंग में दी गई, अच्छी लग रही है देखने में।
नीचे यहाँ पे अगर आप देखोगे भाई, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ देख सकते हो हेडलाइट के यहाँ पे कंट्रोल दिए गए हैं, ओ आर वी एम के कंट्रोल दिए गए हैं, अंदर से आप एडजस्टेबल कर सकते हो उसको। ईको के कंट्रोल दिए गए हैं, स्विच दिए गए हैं, ESS के स्विच दिए गए हैं, डिफॉगर्स के स्विच दी गई है। यहाँ पे आपको लाइट्स के कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे, यहाँ वाइपर के कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे। वैनिटी साइड आपको ड्राइवर साइड को भी मिरर देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको लाइट्स दिए जाते हैं जो कि हैलोजन में थोड़ी सी चीप लग रही है भाई, ये चीज़ इसको थोड़ी सी एनहांस करनी चाहिए थी। यहाँ पे माइक्रोफोन की प्लेसमेंट दे दी गई है भाई। नीचे अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आप देख सकते हो आपको छोटा सा एक टच स्क्रीन दिया जाता है कैनवुड का, जो कि ठीक ठाक है भाई। इस रिस्पॉन्स वगैरह मतलब एवरेज मैं बोलूँगा, बहुत अच्छी भी नहीं है। यहाँ पर आपको स्टोरेज स्पेस थोड़ी सी दी जाती है, और भाई गाड़ी का बोनेट पूरी दिखती है, पूरी मतलब अच्छी खासी बोनेट आपको दिख जाती है अच्छी खासी। आप हाइट में बैठोगे यहाँ पे, आप देखोगे तो यहाँ पे आपको IRVM एडजस्टेबल देखने को मिल जाएंगे मैनुअल में। बाकी ये दो आपको AC के वेंट्स दे दिए जाते हैं। यहाँ पे मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल दी जाती है। नीचे आपको इको के बटन्स दिए जाते हैं, यहाँ पे सर्कुलेशन के बटन्स दिए जाते हैं। 12 वोल्ट का एक सॉकेट देखने को मिल जाएगा, एक चार्जिंग का सॉकेट देखने को मिल जाता है, ऑक्स का भी देखने को मिल जाएगा इसमें यहाँ पे। लेकिन भाई ये सब चीज़ की जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा बुरी आपको देखने को मिलेगी। देखो फिट एंड फिनिशिंग देख रहे हो भाई किस हिसाब से है इसको, मतलब अगर यहाँ पे सिल्वर फिनिशिंग दे देते हैं तो बहुत अच्छी लगती है देखने में। खैर यहाँ पे लाइट जलती है आप अगर इसको जलाओगे तो। बाकी यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दिया जाता है कीफो वगैरह रखने के लिए। 5-स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन आपको देखने को मिल जाएगा, डीजल में भाई गाड़ी आती है। यहाँ पे आपको हैंड ब्रेक दिया गया है, यहीं पे पावर विंडोज़ के सारे कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं। ग्लव बॉक्स की बात करें, ठीक ठाक बड़ा सा ग्लव बॉक्स दिया जाता है, नियो में बहुत बड़ा ग्लव बॉक्स दिया जाता है, और गाड़ी कुछ ऐसी लगती है देखने में। सीट्स की बात करें, अच्छी खासी कंफर्टेबल सीट्स आपको दी जाती है। सीट्स में आपको कोई भी भाई कॉस्ट कटिंग देखने को नहीं मिलती है, बहुत अच्छी सीट्स दी जाती है, कुशनिंग भी सही है। चारों में आपको भाई ग्रैब हैंडल देखने को मिल जाएंगे चारों डोर्स में। और यहाँ पर आपको ये चीज़ भाई मुझे लगता है ट्विटर्स की प्लेसमेंट है, खैर मुझे पता नहीं, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगा क्या कुछ आपको प्लेसमेंट दी जाती है। बाकी गाड़ी कुछ इधर से ऐसे ही देखने में, आप डोर्स अगर देखोगे तो यहाँ पे सिल्वर फिनिशिंग दी जाती है, डोर हैंडल्स आप ऐसे दिए जाते हैं। डोर्स को अगर आप बंद करोगे तो ऐसा कुछ बोल्ड सा आवाज़ आएगा देखने में। सीट बेल्ट्स वगैरह सारे कुछ आपको दे दिए जाते हैं। गाड़ी की अगर ओवरऑल बात करूँ तो भाई आपको गाड़ी बहुत अच्छी देखने में लगेगी इंटीरियर वाइज, और बाहर से भी ठीक लगेगी। बस बुलेरो की वेजिंग से बिक रही है तो भाई अच्छी खासी सेल हो जा रही है गाड़ी। बाकी हम गाड़ी को पीछे से देखते हैं, तब इसका पैसेंजर डोर यहाँ पे आप देख सकते हो सिल्वर की फिनिशिंग दी जाती है, डोर हैंडल्स और पावर विंडोज़ के कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे। बाकी हार्ड प्लास्टिक यूज़ की गई है, और रॉ गाड़ी बहुत आपको देखने में लगेगी। सीट्स बहुत बड़ी दी जाती है, और इंक्लाइन एंगल भी अच्छी खासी आपको दी जाती है। अब गाड़ी के अंदर बैठ कर देखते हैं क्या कुछ स्पेस आपको देखने को मिलेगा बुलेरो नियो में। तो सबसे पहले तो दरवाज़ा बंद करता हूँ भाई, और यहाँ पर मैं बैठ गया हूँ। सीट्स भाई अच्छी खासी अकॉर्डिंगली एडजस्ट है मेरे हिसाब से। बाकी मेरे यहाँ पे आप देख सकते हो लेग स्पेस बहुत अच्छी बच रही है, और ये जो रिक्लाइनेबल सीट्स है बहुत ज़्यादा कंफर्ट आपको देगी, ये चीज़ तो है भाई। अगर आप नई वाली स्कॉर्पियो में भी देखोगे तो आपको स्ट्रेट सीट देखने को मिलेंगे पैसेंजर साइड, लेकिन इसमें ये चीज़ नहीं दी गई है। इसको थोड़ा सा भाई कुशनिंग टाइप का बनाया गया है, और इंक्लाइन एंगल सही दी गई है भाई। आपको थाई सपोर्ट भी बहुत अच्छी देखने को मिल जाती है। तीन बंदे भाई आप आराम से बैठा लोगे, तीन बंदे में कोई परेशानी नहीं होगी। यहाँ पर अगर आप ये चीज़ देखोगे तो कोई भी आपको बम्स नज़र नहीं आएंगे, बहुत फ्लैट है, तो इसमें आप तीन बंदे आराम से बैठेंगे, वो भी बहुत खुशी के साथ बैठेंगे। तो बटन होल्डर्स दे दी जाती है यहाँ पे। और अगर हम सीट्स की बात करें तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट देखने को मिल जाएगा, अच्छा आपको दोनों सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को मिल जाती है, और बैक वाली सीट कुछ ऐसी लगती है, मैंने पहले दिखा रखा भाई। यहाँ पे भी आपको लाइट्स देखने को मिल जाते हैं, बाकी कुछ गाड़ी बैक से भी ऐसे ही आपको देखने को मिलेगी। बहुत अच्छी स्पेस आपको दी जाती है बुलेरो नियो में, अच्छी खासी बड़ी चौड़ी गाड़ी है, तो कहीं भी अगर आप सफ़र करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रैब हैंडल आराम से पकड़ कर जा सकते हैं, और जो ये चीज़ है भाई बहुत अच्छी चीज़ आपको दी गई है यहाँ पे। मतलब तीन जने में जो बीच वाला बंदा होगा वो गुस्सा कभी नहीं होगा। बाकी गाड़ी कुछ ऐसी ही थी भाई। वीडियो को एंड करते हैं यहीं पे। बुलेरो नियो की कुछ ऐसे रिव्यू आपको देखने को मिला। वीडियो पसंद आए तो